अभी साड़ी शॉपिंग करने मत आओ लड़कियों की, बहुत तकलीफ होती है, छटवा छटवा के दिमाग खराब कर देते हैं। साड़ी परचेसिंग करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने वाला कहानी है। गाइस वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो फिलहाल अभी हम लोग जानने वाले हैं भुलेश्वर मार्केट, जिसको बीएमसी मार्केट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले वहाँ हम लोग को शॉपिंग वगैरह भी करना है, तो चलिए चलते हैं और जाके सीधा बीएमसी मार्केट में मिलते हैं। देख सकते हैं काफ़ी क्राउडेड होता है यहाँ पर, जब भी स्टेशन आओगे तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं मरीन लाइन, क्योंकि वहाँ पर काम है। तो फिलहाल ये है चर्च गेट के अंदर का स्टेशन का लोकेशन, काफ़ी क्राउडेड रहता है, लेकिन अभी क्या है थोड़े देर इसमें अभी देखना, पूरा जैसे शाम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा यहाँ पर। है सर आप तो ये देख सकते हो, ये है चर्च गेट का स्टेशन भाई। चर्च गेट भी काफ़ी अच्छा लोकेशन है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो इस वक्त हम लोग चर्च गेट में हैं। और फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले हैं मरीन लाइन, क्योंकि वहाँ पर शॉपिंग वगैरह कुछ करना है, कुछ थोड़ा जो बचा हुआ है ना थोड़ा शॉपिंग वहाँ से भी हम लोग को कुछ करना है, क्योंकि जितना हमने लेना था फैशन स्ट्रीट से ले लिया है। और फिलहाल ये ट्रेन आ गई है जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, तो फिलहाल इसी ट्रेन में जाएंगे। ये है बोरी वाली स्लो, जहाँ की हमको मरीन लाइन पर छोड़ेगी। तो ट्रेन आ गया भाई, इसी में भी हम लोग को जाना है। तो ये है सेकंड क्लास का डिब्बा, फिलहाल इसी में जाना है चर्च गेट से। हमेशा आपको गाड़ी खाली ही मिलेगी अब तक। तो फिलहाल ये हम लोग को पहुँचाएगा अभी मरीन लाइन, जैसे कि देख रहे हो पूरा खाली है। तो फिलहाल हम लोग अभी इसी में जाने वाले हैं, काफ़ी खाली खाली सा है, क्योंकि देखो हमेशा दादर से काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि चर्च गेट से ही हम लोग सीधे विरार के लिए जाएंगे, क्योंकि ना चर्च गेट से जाने वाली गाड़ी हमेशा खाली जाती है, और अधिकतर जो भरता है ना भाई दादर से ज़्यादा क्राउड होना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल देखो पूरा खाली है ट्रेन, और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बीएमसी मार्केट, जिसको भी बोलते हैं भुलेश्वर मार्केट। तो इसी लाइन से हम लोग को जाना है। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है गाइस, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो एकदम बेहद खूबसूरत लोकेशन है। और ये मरीन लाइन ही है, इस सामने में जब देखोगे तो मरीन ड्राइव है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग मरीन ड्राइव आके गए हैं, जैसे कि अभी देख रहे हो आप लोग। ये यहाँ के ये ब्रिज के उधर से क्या है पूरा मरीन शुरू हो जाता है, मरीन ड्राइव। तो फिलहाल अभी अपने को जाना है मरीन लाइन के ईस्ट की ओर। तो फिलहाल अभी हम लोग को मरीन ईस्ट से जाना है, मरीन लाइन का ईस्ट है, और ईस्ट से अपन को नीचे उतरना है, उसके बाद अपन ढूंढते हैं। ये देखो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ भी। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग जाने वाले हैं भुलेश्वर मार्केट, जो कि मुंबई का काफ़ी पुराना मार्केट है, और वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे ज्वेलरी चीप रेट में साड़ी वगैरह सब चीज़ मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा वहीं जाके मिलते हैं। तो जस्ट उधर से ईस्ट में आने के बाद, सीधा आने के बाद आपको इधर लेफ्ट टर्न करना है, और सीधा इधर से ये गली निकालेगा अपने को बीएमसी मार्केट। इसी गली से आपको टर्न करना है, उसके बाद अपन चलेंगे बीएमसी मार्केट। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा भी लोकेशन है, और इस वक्त शाम का भी समय लगभग 5:30 बज ही गए हैं अभी, और ठंडी भी बिल्कुल नहीं है मुंबई में, और ठंड तो भाई बिल्कुल भी नहीं है मुंबई में, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो। और मुंबई में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। अगर आप घूम सको तो एक बार ज़रूर विजिट करना, जितना हो सके घूमना फिरना, उसके बाद चले जाना, तो एक बार मुंबई आना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के। तो फिलहाल बीएमसी मार्केट अभी पहुँच ही गए हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ से शॉपिंग करना है। तो देखते हैं वहाँ कौन कौन सा मतलब कैसा कैसा क्लोथ आता है, देखते हैं और उसके हिसाब से परचेस करते हैं। तो फिलहाल पहुंच ही गए ना, अभी बस कुछ ही मीटर की दूरी में है, लगभग 100 मीटर की दूरी पे है बीएमसी मार्केट। तो फिलहाल पहुंच गए अभी हम लोग बीएमसी मार्केट, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो। देख सकते हो बीएमसी मार्केट।
चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर, ज्वेलरी से लेकर बैग से लेकर क्लोथ से लेकर हर चीज़ें। तो देख सकते हो यार, काफी हर चीज का कलेक्शन जोरदार जोरदार है यहाँ पर। भुवनेश्वर मार्केट भाई काफी पुराना मार्केट है, फुल क्राउडेड। तो फिलहाल गाइस पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर मार्केट में, तो काफी क्राउडेड है भाई, काफी क्राउडेड है। और सभी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, क्लोथ से लेकर आप लोग जो भी एक्सेसरी चाहो ना, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ। देख सकते हो काफ़ी क्राउड है, काफ़ी बड़ा भी मार्केट है भाई ये, देख सकते हो फुल क्राउडेड और फुल भाई, देख रहे हो ना क्राउड, देखो आप कितना यहाँ सारी चीज़ें, लेकिन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, जब भी आओगे तो हर चीज़ परचेज कर सकते हो। देखो भाई क्राउड देखो आप, देखो भाई क्राउड काफी अनबिलीवेबल क्राउड है भाई, देख सकते हो भाई काफी क्राउडेड है और काफी मस्त है लोकेशन भी। फिलहाल अभी हम लोग ये खा रहे हैं, काफी मस्त है, टेस्ट भी काफी चटपटा सा है। हाँ मैं तो करूँगा। ये देख सकते हो ज्वेलरी शॉप, यंग काफी गजब का लोकेशन है। जो भी शॉपिंग करने आते हैं वो सही है, लेकिन कभी साड़ी शॉपिंग करने मत आओ लड़कियों के, बहुत तकलीफ होती है, छटवा छटवा के दिमाग खराब कर देते हैं। साड़ी परचेसिंग करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने वाला कहानी है। तो भाई शाम हो गया है और शाम का दूस मस्त गजब का लग रहा है, देख सकते हो। तो अभी अपने को जाना है भाई स्टेशन, स्टेशन सीधा घर जाएंगे। लगभग टाइम अभी हो गया है 6:32 हो गया है, अगर हम लोग 7 निकलते हैं तो समझ जाओ 9:30 के बीच में अपन घर पहुंचेंगे भाई। तो देख सकते हो ये है नाइट का लुक भाई, काफ़ी अच्छा है। ये है मरीन ड्राइव का लुक, तो भाई फिलहाल काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग अभी 7 और 7 के बाद भी अभी हम लोग स्टेशन तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अभी लेकिन जल्द अभी हम लोग घर ही निकलने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग हम लोग को 10 बज जाएंगे रात के, बहुत टाइम हो गया। लेकिन भी देखो नाइट का जो लुक होता है ना, मुंबई को देखना है तो नाइट, मुंबई को अगर आप लोगों को अच्छे से देखना है ना भाई, तो नाइट में आओ, काफ़ी मस्त लुक और व्यू तबाही रहता है। खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।